नमस्कार, आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज 8 अगस्त था तो आज का जो कार्यक्रम था, आज का जो टास्क दिया गया था वो तो आशा कार्यकर्ताओं ने भली भांति निभाया, लेकिन अभी भी एक कमी आ रही है कि आशा कार्यकर्ताएं जो है बहुत संख्या में नहीं पहुंच रही है, यानी कि सभी आशा कार्यकर्ताएं वहां पर पहुंच नहीं रही है। तो आप लोग कोशिश करें कि सभी आशा कार्यकर्ता वहां पर पहुंची, क्योंकि मानदेय सभी को चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो आशा कार्यकर्ता वहां पर पहुंच रही है सिर्फ उन्हीं को मानदेय चाहिए, जो भी आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत है उन सभी को मानदेय चाहिए। तो इसलिए सभी आशा कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। तो हम बात कर रहे थे कि 9 अगस्त को हमारा काम क्या है, 9 अगस्त को हमें क्या करना होगा। बिल्कुल, तो देखिए 9 अगस्त को जो है बिहार सरकार द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है पड़ाव का कार्यक्रम रखा जाता है। उस दिन सभी जो है गर्भवती महिलाओं को ले जाकर के उनकी जांच की जाती है, ठीक है, और भी कई तरह की सेवाएं जो है मुहैया कराई जाती है। तो यहाँ पर आप लोगों का कार्य ये रहेगा 9 अगस्त का कि आप लोगों को अपने क्षेत्र के गर्भवती महिलाओं को मना कर देना है कि आप लोगों को जो है नहीं जाना है, ठीक है। और ऐसे भी आप जानते हैं कि जब तक आप जाकर बोलते नहीं हैं तब तक वो जाती नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या करना है, मना कर देना है कि हम जो है हड़ताल पर हैं, हम कार्यरत अभी हम लोग हड़ताल पर हैं, इसलिए आप लोग अभी मत जाइए, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से उन गर्भवती महिलाओं को रोकना है, उन्हें मना करना है, क्योंकि अभी हम जो है हड़ताल पर हैं, इसलिए आप लोगों को वहां पर जाना नहीं है। इस प्रकार से आप, अगर आपका अगला टास्क है, और पीएचसी में जाकर के आपको धरना प्रदर्शन देना है, ये कल आपका जो है कल आप लोगों का कार्य यही रहेगा। कल भी आप लोगों को जो है वहां पर अपना प्रदर्शन जारी रखना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।